ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय श्रोता गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज भी आपके साथ हम चर्चा करने वाले हैं रोज की तरह आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम के विषय में, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और प्रिय साथियों, ये दैनिक राशिफल जो है, इसकी चर्चा करें इससे पहले हम आपके साथ चर्चा करेंगे आपके अपने पंचांग के विषय में, और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दिनांक 19 जुलाई सन 2023 दिन बुधवार संवत 2080 का है। हिंदी का महीना श्रावण मास है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, और तिथि होगी आज द्वितीया यानी कि दौज। नक्षत्र रहेगा पुष्य, योग होगा वज्र और करण होगा बालव। राशि होगी आज कर्क। चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि में करेंगे संचार, और राहु काल की समय अवधि इस प्रकार रहेगी, दोपहर 12:27 से लेकर दोपहर 2:10 तक। अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है और गंडमूल प्रातः 7:58 पर प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये थी जानकारी पंचांग को लेकर के। अब आपके साथ चर्चा होगी आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति चल रही है उस पर ये आधारित है। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जो एरीज जिनका साइन है जातकों। प्रिय साथियों, आज का जो दिन है काफी खुशी भरा दिन रहने की संभावना है, और इस दौरान कोई अच्छी खबर आपके सामने आ सकती है। आपको कुछ ऐसे पल भी देखने को मिल सकते हैं जहां आप उपलब्धि और खुशी की भावना का भरपूर आनंद ले सकते हैं, और ये जो खबर आपको मिलेगी किसी मित्र के द्वारा मिलने की अधिक संभावना है, इसलिए उनकी भी सफलता और उपलब्धियों का जश्न मनाते हुए उनके लिए आपको उनकी खुशी में सम्मिलित होना है और उनकी खुशी में खुश होकर के उसको एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है। उपाय आप करें, इस मंत्र का जप करें आप 108 बार, ओम शु शुक्राय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करने पर आपका स्वास्थ्य और अधिक बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, शुभ अंक आपके लिए 2। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन, आज का दिन काफी फेवरेबल दिन है आपके लिए साथियों, और आपके व्यक्तित्व के कारण आपकी प्रशंसा होगी। आप जो भी कुछ करेंगे उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जिसको गलत कहा जाए। आप मिलनसार व्यक्ति हैं और बिना किसी अभिमान के आप चीजों को करते रहिए, ये आपके लिए निरंतर लोकप्रियता और सम्मान सुनिश्चित करने वाला है जो भी आप कार्य कर रहे हैं। उपाय आप करें धन लाभ के लिए, उगते हुए सूर्य को देखते हुए 11 बार ओम शब्द का उच्चारण अपने मन ही मन में करें। शुभ रंग आपके लिए भूरा, शुभ अंक आपके लिए आज 8। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन, मेरे प्रिय साथियों, आप जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज कुछ आप ज़्यादा तनाव लेने की, एक तो आपकी थोड़ी कुछ इस प्रकार की हिसाब रहेगा पूरे दिन में कि आप कुछ तनाव ज़्यादा लेना पसंद करेंगे, या कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिनमें थोड़ा टेंशन अधिक होती है, उसी वजह से आपको मानसिक और शारीरिक रूप से थकान भी महसूस हो सकती है दिन के अंत में जा करके। लेकिन हमारा आपको व्यक्तिगत सुझाव ये रहेगा कि आपको समय निकाल करके अपने शरीर को, अपने दिमाग को आराम देना है और किसी प्रकार की टेंशन नहीं रखनी है, और ऐसा कोई कार्य भी ना करें जिसमें अधिक टेंशन हो, और अपने क्रोध को नियंत्रण में रखिए। आप जो भी थिंकिंग करते हैं वो पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल ना करें। अगर नेगेटिव थिंकिंग करेंगे तो फिर आपको मानसिक तौर पे तनाव भी होना निश्चित है। अच्छी चीजें आपके रास्ते में जरूर आएंगी, दूसरों की मानसिकता के कारण शांत रहने की भी आपको कोशिश करनी है, अगर आप ये चाहते हैं कि दिन आपका आसानी से और शांतिपूर्वक ढंग से निकले। उपाय आप करें, घर में लाल रंग के पर्दे और चादर का प्रयोग आपको करना चाहिए आज के दिन। शुभ रंग आपके लिए नीला और शुभ अंक आपके लिए 4। प्रिय साथियों, अब बात करेंगे जो कर्क राशि के जातक हैं जिनका कैंसर साइन है, तो आज का जो दिन है कुछ ज्यादा व्यस्तता में निकलेगा और उसी के वजह से थोड़ा थकान भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा चहलकदमी या अपना जो जिसको कहते हैं कि भाई अपनी जो ये व्यस्तता है इससे थोड़ा सा अपने आप को फ्री करने की कोशिश करनी चाहिए, और मन पूरी तरीके से अपना शांत रखिए। मन में किसी भी प्रकार के उथल पुथल विचारों में अगर होगी तो आपको टेंशन भी साथ की साथ होगी, और प्रिय साथियों, इस पागलपन से भरे हुए दिन को सोचकर आप बिल्कुल हताश ना हो। कभी कभी कुछ इस प्रकार की स्थिति भी बनती है जीवन में, ऐसे भी समय आते हैं
आज कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आएंगी जहां लोग आपका फायदा उठाना चाहेंगे, लेकिन आपको उनकी धूर्तता और खुदगर्जी का शिकार बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। आपको हर व्यक्ति और काम को योग्यता से लेना है और आप अपना पूरा दिन बिना किसी रुकावट के पार कर पाएंगे। ये भी हम आपको बता देते हैं। उन लोगों के प्रति समझदारी और सहानुभूति जरूर रखिए जो आपके साथ अपने विचारों को शेयर करना चाहते हैं। अपने कार्यस्थल में कोई भी मतभेद और पेचीदा परिस्थिति बिल्कुल पैदा ना होने दें, और अगर कोई ऐसी हालात हैं भी तो उनसे अपने आप को दूर रखें, दूरी बना करके रखें। उपाय आप करें, पीपल की जड़ में तेल चढ़ाने पर आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर मजबूत होगी। शुभ रंग आपके लिए ग्रे और शुभ अंक आपके लिए 3। सिंह राशि यानी कि लियो साइन। प्रिय साथियों, आज आप काफी एनर्जेटिक रहेंगे, आप परिश्रम में विश्वास करेंगे और आप क्रिएटिविटी से भी काम करेंगे। आप पूरे दिन कुछ इस प्रकार की सोच रखेंगे कि कुछ नया किया जाए, इससे आपको काफी अच्छा लाभ भी मिलेगा। और आज के लिए आपका दिन, पूरा दिन अगर हम कहें तो बहुत फेवरेबल दिन है। आपको करियर में ग्रोथ मिलने की भी पूरी संभावना है और आपके जीवन में सभी चीजें रचनात्मक होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप अपनी नई प्रतिभाओं की खोज करेंगे और आप क्रिएटिविटी से भी काम करेंगे। ये आपकी पहली पसंद होगी, पहली चॉइस यही होगी कि कोई नया कुछ किया जाए। और आज का दिन आपके लिए, जैसा मैंने कहा, काफी फेवरेबल दिन है, इसका आप लाभ लीजिए। उपाय आप कर सकते हैं, रेशमी वस्त्र किसी गरीब कन्या के विवाह में भेंट करने पर नौकरी या व्यापार में आपको अच्छी तरक्की मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी और शुभ अंक आपके लिए आज 6। कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन। तो साथियों, आज आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करेंगे और आत्मविश्वास के साथ करेंगे। जीवन में प्रगति के लिए लगातार प्रयास आप अपने जारी रखिए और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने और कार्यवाही करने का भी है। अगर आप कुछ बड़े और महत्वपूर्ण डिसीजन आपको लेना है, लेना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए इस कार्य के लिए बहुत ही उचित है। और आप अपने कंफर्ट जोन में रह करके जो भी कार्य करना चाहते हैं करिएगा। बहुत ज्यादा भाग दौड़, व्यस्तता, इन चक्करों में बिल्कुल ना पड़े, अपने आप को इन चक्करों में ना डालें। जो कुछ भी आप अभी कर रहे हैं उसमें थोड़ा कोशिश करें कि कुछ अगर और बेटर कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है। सकारात्मक ऊर्जा के लिए क्रीम कलर के कपड़े पहन सकते हैं आप आज के दिन। उपाय आप करें, चांदी के आभूषणों का अधिक प्रयोग करने से पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल बना रहेगा। और शुभ रंग आपके लिए भूरा और शुभ अंक आपके लिए आज 4। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन। तो साथियों, आप में से कुछ लोगों को बहुत संतुष्ट और ऊर्जावान आप महसूस करने वाले हैं। आज आप काफी सेटिस्फाई महसूस करेंगे अपने आप को, और जो कार्य आप कर रहे हैं उन कार्यों को लेकर के भी आपके अंदर संतुष्टि रहेगी और काफी परिश्रम करने का आपका पूरा इरादा रखेंगे आप कि आप जो भी कार्य करें उसमें पूरा परिश्रम के साथ करें। और संतोष की इस भावना ने आपको एक खुश और आराम की स्थिति में रहने का भी अवसर दिया है, इसका भी आप लाभ लीजिए। और अभी सभी चीजें एक सही क्रम में लगती हुई दिखती हैं, हालांकि आप हमेशा इस संतुलन को नहीं बना पाते, और आपको शांत रहने की हमारी ओर से पूरी पूरी सलाह है। बिल्कुल जो भी अपने कार्य करें शांत स्वभाव के साथ करें, शांति के साथ। जब चीजें आपके नियंत्रण से बाहर होती हैं तो अपना धैर्य बिल्कुल ना खोए, पेशेंस रखिए और उन्हें आपको या आपके मूड को परिभाषित बिल्कुल ना करने दें। आपको हमेशा नियंत्रण में अपने आप को रखना है। उपाय आप करें, सेहत, अगर आपने अपनी सेहत को दुरुस्त रखना है, हेल्थ अच्छा रखना है, तो सूर्य स्नान कीजिए। सूर्य स्नान कैसे करें? नहाने के पानी में थोड़े से गेहूं और थोड़ी सी साबुत, लाल मसूर की दाल और लाल एक चुटकी सिंदूर, लाल सिंदूर, ये डाल करके आप स्नान करिए। शुभ रंग आपके लिए लाल और शुभ अंक आपके लिए आज 1। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन। तो साथियों, आपको रचनात्मक एवं आपके दिमाग को महान विचारों से आज भरपूर रहने वाले हैं। आप पूरी रचनात्मक तौर पर कार्य करेंगे, रचनात्मक कार्य करेंगे और आपके माइंड में, आपके दिमाग में बहुत अच्छे और स्वच्छ विचार आएंगे आज के दिन। ये आपको हमेशा दूसरों के प्रति उदारवादी बनाएंगे और आज आप करुणा में भी रहेंगे, बहुत काइंड रहेंगे लोगों के प्रति। दयालुता, करुणा और सहानुभूति हमेशा आपकी, देखिए, पहले भी ताकत रहे हैं और आगे भी रहेंगे, और इनको अभिव्यक्ति करने में कोई हानि भी नहीं है। आजकल लोगों में इतनी इतना प्रतिस्पर्धा भी नहीं रही है कि वह इस तरीके के हाव भाव की सराहना ना करें। अपना अच्छा काम करते रहिए, आगे भी आपको इसका लाभ मिलते रहना है।
उपाय आप करें, लाल वस्त्र में 2 मुट्ठी मसूर की दाल बांधकर किसी भिखारी को आप दान दे सकते हैं। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी, पारिवारिक जीवन आपका सुखद होगा। शुभ रंग आपके लिए स्लेटी और शुभ अंक आपके लिए आज 9। धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस साइन, तो आज आपकी अंतरात्मा उत्साहित और सकारात्मकता के लिए बढ़ेगी। आज आप ये उम्मीद करेंगे कि आज आपकी राह में अच्छी चीजें आए, वह कुछ भी हो सकता है, जैसे पैसा, विकास, सम्मान व पहचान, इनमें से कुछ भी चीज हो सकती है। ये आपको एक अच्छी मनोदशा में रखेंगी चीजें, और आपको अपने विचारों को क्रियाशील बनाने और कुछ नया लागू करने के अवसर को भी अपने पास से जाने नहीं देंगी। आप अपने जिंदगी की राह में अपने आप को संतुष्ट महसूस करने वाले हैं, और जहां आप आज हैं साथियों, इस समय का उपयोग जिन चीजों में बदलाव की जरूरत है जरूर करें, जहां जहां भी करने की आवश्यकता है। उपाय आप करें, पारिवारिक जीवन में खुशहाली देखना चाहते हैं तो उसके लिए पुरुष मस्तिष्क पर लाल टीका मतलब अपने लगा सकते हैं, और गृहणियां जो है वो लाल सिंदूर का प्रयोग करें। शुभ रंग आपके लिए सफेद और शुभ अंक आपके लिए 7। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन, तो मेरे प्रिय साथियों, आप आज के दिन अपने आप को, स्वयं को ऊर्जावान और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करेंगे, और किसी भी अधूरी योजना को आरंभ करने और ध्यान रखने के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। चीजों को अपने तरीके से चलने दीजिए और उन चीजों के बारे में चिंता करना बिल्कुल छोड़ दीजिए जिनके बारे में आप निश्चित भी नहीं है अभी तक कि आखिर क्या होना है, कि क्या रिजल्ट आना है, क्या नहीं आना है। ऐसी चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग बिल्कुल ना करें, टेंशन बिल्कुल ना लें। उपाय आप करें, मछलियों को चारा डालने से प्रेम संबंध आपके बेहतर होंगे। शुभ रंग आपके लिए संतरी और शुभ अंक आपके लिए आज 7। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस है, तो साथियों, आप में से कुछ अपने करीबी लोगों से थोड़ा निराश और परेशान जरूर हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पर निराश किया हो, और हो सकता है कि वे उनके वचनों का भी पालन ना कर पाए हों जो उन्होंने आपसे किए हैं, और आज आपको इसे गंभीरता से लेने की भी आवश्यकता है। और बस अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा रखने की कोशिश करिएगा, दूसरों से अपनी अपेक्षाएं कम करिए, एक तो ये काम जरूर करें आप, और आप ये फिर महसूस करने वाले हैं इसके बाद कि इससे आपको काफ़ी राहत और अच्छा महसूस आप कर रहे हैं, ऐसा फीलिंग्स आपके अंदर आएंगी। उपाय आप करें, अपने इष्ट देव की एक छोटी सी सोने की मूर्ति बनाकर अपने घर में स्थापित करिए और रोजाना उसकी आप पूजा करें, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए मैरून, शुभ अंक आपके लिए 5। अंत में मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन, तो आज आपको स्वास्थ्य के मोर्चे पर लापरवाह रहने के लिए आपके ग्रह आपको एक तरीके से उकसाएंगे। यदि आपको मधुमेह है तो ये दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि आप आज ही अपने शर्करा के स्तर पर नजर रखिए, चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान जरूर दें, और सभी चीजों को शुरू करने के लिए आप जो भी चीज खाते हैं उस पर भी बहुत देख परख करके चीजों को खाएं। बेहतर स्वास्थ्य के लिए हर दिन सुबह की सैर जरूर करना चाहिए आपको, और व्यायाम भी आपके लिए आवश्यक है। यदि आपने हाल ही में व्यायाम करना बंद कर दिया है तो यही वह दिन है जब आपके पास पटरी पर वापस आने का एक अच्छा मौका है, अपनी लाइफ को ट्रैक पर लाने। उपाय आप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को 108 बार आप जपिए प्रातःकाल और सायंकाल, आपके ये रोजगार व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपके लिए काला और शुभ अंक आपके लिए आज 1। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल, दिनांक 19 जुलाई सन 2023, दिन बुधवार, संवत 2080 का। और हमने इसके द्वारा आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका किस प्रकार से व्यतीत हो सकता है, लेकिन अब समय आ गया है कि जब हमको अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना होगा और अपने आप सभी जो प्रिय मित्र हैं उनसे लेनी होगी इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद।